वहाँ वर्कशॉप से फोन आया था कि भाई आपकी बाइक रेडी हो गई है, मगर अभी वहाँ जाके हम खुद चेक करेंगे कि भाई उसके अंदर भाई दिक्कत फिर से आ रही है या नहीं आ रही है। चल जाती है, टंकी नहीं बंद करी उतना पेट्रोल की तो आग लगवा देता। तो गाड़ी की जिस हिसाब से हालत लग रही है, मेरे को तो नहीं लग रहा कि कुछ किया भी है। देखो तो ना धोई है ना कपड़ा हमारा, जो भी पूरा बिल विल था सब जीरो पे हुआ है, सारा काम वारंटी पे हुआ है। हमारे साहिल भाई के घर के बाहर से, ये इस बंदे को जानते हो ना तुम, पॉपुलर क्रिएटर ऑन यूट्यूब। अरे साहिल पॉपुलर क्रिएटर ऑन यूट्यूब भाई से जानते हो ना तुम, है ठीक है। तो इसकी जो आर फाइव ओखला में पड़ी हुई है वर्कशॉप के अंदर, जो एक ये लाया एक बोला एक निहायती बेकार कर रखी है जिंदगी जिसने, तो आज हम उसे लेने जा रहे हैं। आज भी पता करने जा रहा है, लेने जा रहा है, आज तो लेने जा रहा है। ठीक है, ओके ठीक, वही वो कहाँ चलेगा, कौन सा आज डायरेक्ट लेने जा रहे हैं। वहाँ वर्कशॉप से फोन आया था कि भाई आपकी बाइक रेडी हो गई है, मगर अभी वहाँ जाके हम खुद चेक करेंगे कि भाई उसके अंदर भाई दिक्कत फिर से आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही होगी तो बाइक को लेके आ जाएंगे, अगर आ रही होगी तो फिर तुम्हें पता ही है कि हमने क्या क्या बोल रखा है। सीधा ओनर से भी बात करी थी पिछले ब्लॉग में, तुमने देखा होगा। तो अभी चलते हैं डायरेक्ट। पैसा भी क्या, ये मोमोज खाते में हुआ है इस काल। तो भाई अभी चलते हैं, निकलते हैं। अमन रमन मोहित भाई साहिल भाई विपिन और मैं निकल लिया सीधा वर्कशॉप। बाइक की लाश आएगी, साहिल की लाश आएगी। आज भाई देखते हैं दोनों में से क्या चीज आएगी क्या नहीं आएगी। तो निकलते हैं अभी फिलहाल में अपना ओखला की तरफ। साहिल ने तो बुलेट बीच रोड पे गियर में बंद कर दी, रेड लाइट की वजह से लौंडे ने बुलेट बीच रोड पे बंद कर दी थी, तुम ये चेक करो। ओ भाई स्टार्ट तो करो। अरे यार अमोद भाई किस नाड़ी बंदे के हाथ में दे दी बुलेट, तो भाई स्टार्ट कर भाई, ये तो बेइज्जती करवा रहा साहिल। हम ही बंद कर लेते हैं अपनी गाड़ी। अरे साहिल अमन अमन इतनी खेचता हुआ लाया बुलेट को, ही इतनी खेचता हुआ आधा लीटर तेल में, किसने अलग से आधा लीटर तेल डलवाया, बस आधा लीटर। ये तुम चेक करो, इसमें तो साइलेंसर भी लग जाएगा। क्या हो गया, मेरी कहता है मेरी आयरन फाइव ठीक क्यों नहीं हो रही। भाई टंकी बंद नहीं करी यार, साइल और क्या टंकी बंद नहीं है। अब भाई बुलेट में धक्का लगाया जाएगा, तुम ये चेक करो बस। ओ भाई बुलेट में धक्का मारने का टाइम आ गया, तुम ये चेक करो। आधे लीटर पेट्रोल में साला वहां से खींचता बोला है, वो भी टंकी बंद करके। चल जाती है, टंकी नहीं बंद करी उतना पेट्रोल की तो आग लगवा देता, बाद में पीते तो आग लगा देता है बुलेट में। आज भाइयों जिस हिसाब से ये मनुष्य चल रही है ना, आज भी लग रहा है कि आज भी गाड़ी मनुष्य की लग रही है। फिलहाल में यामा के शोरूम, यामा के वर्कशॉप फिलहाल में आ चुके थे आर्म बाइक के वर्कशॉप में, और ये तुम चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्शन चल रहा है दोस्तों का, तुम ये चेक करो। तो गाड़ी की जिस हिसाब से हालत लग रही है, मेरे को तो नहीं लग रहा कि कुछ किया भी है। देखो तुम ना धोई है ना कपड़ा हमारा, कुछ नहीं। अभी चेक कर रहा है साहिल कि इसमें वॉइस वगैरह आ रही है नहीं आ रही, आवाज़ वगैरह आ रही है नहीं आ रही, फिर इसे चला के चेक करेगा, फिर उसके बाद
कि क्या से क्या सीन है। अभी तो तुम ये चेक करो, आवाज़ सुनो भाई, ठंड की आवाज़ तो बंद हुई, भेज देने पर जो जैकेट की आवाज़ आ रही है सुनाई तो पड़ती होगी ना, 500 या 700 के बीच में उसको सेट करेंगे, मतलब आ जाना 500 के बीच, 500 लोगों का इसका ऑयल चेंज होगा और जैकेट सेट होगा, ठीक है, थोड़ा लूज रहता है, रॉकर वगैरह नए डाले ना, और उस टाइम तक 500 किलोमीटर जब तक आप गाड़ी चलाएंगे ना 500 किलोमीटर, तब तक नॉर्मल स्पीड भी चलना, ठीक है, ब्लॉकर वाला नहीं चलना, ये काम इसमें और कोई आवाज़ तो नहीं, नहीं अभी तो लकड़ी आवाज़ आ रही थी बंद, और ये पंचर है क्या है, हवा भी नहीं, अभी तो कोई आवाज़ वगैरह आ नहीं रही है, हमारे सोहेल भाई ने सब कुछ समझा दिया अच्छे से, तो फिलहाल में भाई अपनी R15 जा रही है वॉशिंग के लिए, तो इसे अलविदा कर देते हैं, इसका पीछे का टायर भी पता नहीं पंचर है क्या है, आवाज़ वगैरह तो ठीक है, अभी वॉशिंग वगैरह हो के आती है फिर चला के देखते हैं, इसका आप इंजन बनाया है सर, चेक जब आएगी वॉशिंग होने के बाद, जब अच्छी सी लगेगी तब थोड़ा चलाने जाएंगे। फिलहाल में अपनी R15 एकदम ओके हो गई, आ गई है पुलिस वगैरह, अब इसके बाहर जाके एक राइड लेनी है तब जाके पता चलेगा कि इसके अंदर कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, वैसे नॉइस तो आ नहीं रही है, तो अमन चेक कर रहा है पहले, देखो मगर इसे देंगे नहीं, ये बाहर जाके कह रहा बिली मारो, ये देखो भाई इसे, भाई बिली मारनी, बिली बिली मारनी, भाई खुश हो रहा है, इसमें ऐसा पोर्शन आता है, देख वाली, तो अभी बाहर चल के चेक करते हैं इसके अंदर जो भी दिक्कत आती है, खैर अब तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए कुछ भी। अरे यार दोस्त, अभी बाइक का इंस्पेक्शन करने पहुँच चुके हैं, मैं थोड़ा अंदर आ गया था, बाइक पुलिस वगैरह होके आ गई है, तो भाई भाई इसलिए जल्दी मिल गई है क्योंकि जो यामा शोरूम का ओनर है ना, उनसे अप्रोच लगवाई थी, उनने जाके शिकायत सारी बताई थी कि मैनेजमेंट आपका ठीक नहीं चल रहा है, ये वो ये सब मैंने अपने पिछले ब्लॉग में डाल रखा है, आप वहाँ चेक कर सकते हो, तो इसीलिए बाइक हमें जल्दी मिल गई है, और फिलहाल में तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही क्योंकि सब उनकी कमिटमेंट पे करी गई है, और उनका प्रेशर था बहुत ज़्यादा वर्करों पे, मैनेजर पे, सब चीज़ पे, तो बाइक जल्दी तुरंत मिल गई है, तो फिलहाल में भाई कई इंस्पेक्शन तो दोस्तों ने कर लिया, अब चलते हैं बाहर जाकर राइड लेंगे, बताते हैं अपना अपना ओपिनियन, तो फिर निकलते हैं यहाँ से घर की तरफ। अरे यार दोस्त, अपनी बाइक निकालेंगे, बुलेट वो घड़ी, स्प्लेंडर वो घड़ी, निंजा वो घड़ी अपनी, और R15 अभी साइन अंदर से लेके आ ही रहा है, और भाइयों जो भी पूरा बिल विल था सब जीरो पे हुआ है, सारा काम वारंटी पे हुआ है क्योंकि गाड़ी में दिक्कत कंपनी की तरफ से थी, इसलिए वारंटी क्लेम हो गई है, और तो और इसके अंदर दोबारा से रोकर डाले गए हैं नए, और हाफ इंजन का काम हुआ है जो आवाज़ ठीक करनी थी उसके लिए, तो अभी तो यहाँ से निकलते हैं भाई इतना जल्दी जल्दी, अमन थोड़ा पागल हो गया है, स्प्लेंडर में बर्नआउट मारने की कोशिश कर रहा है मगर लग नहीं रही है, और लग गई, चलो अब निकलते हैं यहाँ से जल्दी जल्दी, पहले उसकी गाड़ी में देखते हैं हवा नहीं है या पंचर है, वो चेक करवाते हैं फिर घर निकलेंगे। ये बंदे देखो बिली मार रहे हैं स्प्लेंडर से अभी R15 का काम करवाया, अभी स्प्लेंडर के शोरूम जाना पड़ेगा एक और अब नहीं मार रहा भाई, सारे यार दोस्त निकल चुके हैं, रमन चला रहा हमारा R15 और साहिल भाई अभी स्प्लेंडर पर बैठे क्योंकि हवा वगैरह डलवानी है उसमें, करवाते काम में हवा वगैरह डल रही है, पिछले वाले टायर में एकदम जीरो थी और वहाँ चेक करो अभी उसमें डल ही रही है हवा, अभी जीरो से एक पॉइंट भी ऊपर नहीं उठा है, और रमन भाई बैठे हमारे ये चेक करो, तो हवा वगैरह डलवाते हैं फिर निकलते हैं सीधा घर, फिर कर देते हैं इस ब्लॉक का यहाँ पे एंड। घर जाते जाते हमारे मोहित भाई का टायर पंचर हो गया बुलेट का, तुम चेक कर सकते हो बिल्कुल बैठ गया भाई और मोहित भाई करते जन्नत घुमाएगी, फिर मोहित भाई करेंगे एक मनुष्य के हाथ में दे दी थी सुबह इसके हाथ में, तो भाई तुम चेक कर सकते हो बुलेट तो हो गई पंचर, देखते क्या करते हैं, पता कैसे करेंगे ट्यूब है कि नहीं है ट्यूब वाला है भाई, एकदम बैठिए ट्यूब वाला, ट्यूबलेस नहीं है ना भाई बुलेट में, ट्यूबलेस नहीं आता ट्यूब वाले कभी बैठ गए बुलेट में, ट्यूबलेस आता भी नहीं भाई, अपने खींच जाती है 5-10 किलोमीटर, चलो यार निकलते हैं घर जैसे तैसे, यहीं पे आके हुआ तुम आइयो, फाइनली साहिल भाई का सारा काम करवाने के बाद आ चुके थे वापस से अपने घर, और कुछ खाने पीने के लिए भी ले आए थे, वो आज चॉकलेट दे रहा, तो मैंने सोचा क्या चॉकलेट दे, हमारे तो कोई बंदी बंदी है नहीं, तो अरे भाई अपने घर वालों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए फुल चॉकलेट वगैरह भी खाएंगे, बस चॉकलेट दिखाऊंगा, हैं चॉकलेट देखनी है
अभी दिखा देता हूँ भाई। भाइयों फिलहाल मैं आ गया था मैं घर और मैं तुम्हें दिखा रहा था चॉकलेट। तो भाइयों ये रही अपनी चॉकलेट और ये रहा अपना खाने पीने का सामान। थोड़ा आज अपनी बहनों के साथ सेलिब्रेट करने आया था मैं और ये शिवानी मेरी कर रही है कान्हा जी को चाय वाय पिला रही है। तो इधर देखो ये नहीं देखना। अच्छा मुंह नहीं धोया क्या? हाँ लड़कियाँ मुंह धोती नहीं कभी। मेरी प्रियंका एकदम अच्छी लगती है, मेरे स्मार्ट सी। तो भाइयों साहिल का सारा काम वाम करवा दिया था वो तुम्हें पता है किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ ओनर की अप्रोच की वजह से हुआ था, क्योंकि ओनर ने सारे बंदों को धमका दिया था। तो बाइक में अभी तो सब कुछ ठीक है, मगर उसे रेटिंग की वजह से भी जो हमने डाला था रिव्यू। हाँ और हमारी रेटिंग की वजह से जो कि पिछले ब्लॉग में तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि उसके ओनर ने बोला या मांगे कि भाई अपनी रेटिंग वगैरह हटा दो क्योंकि इसकी वजह से मेरे बहुत सारे कस्टमर कट रहे हैं, तो अपना ये रिव्यू हटा दो प्लीज। तो हमने वो रिव्यू वगैरह हटवा दिया था और गाड़ी अब उसकी ओके चली रही है। 500 किलोमीटर या 500 मीटर 500 किलोमीटर 60 की स्पीड में। हाँ 500 किलोमीटर की स्पीड, ओहो 500 किलोमीटर 60 की स्पीड में बाइक चलानी है, उससे ऊपर नहीं, क्योंकि अभी नए रॉकर वगैरह उसमें हाफ इंजन होना है और 60 की स्पीड से ऊपर नहीं जाना। तो इस ब्लॉग का यहाँ पे कर देते हैं एंड। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना भाइयों, और हैप्पी चॉकलेट डे मेरी तरफ से सभी भाइयों को। सॉरी ऐसा कुछ नहीं है। टाटा बाय बाय।